हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। रेनीड कराए जाने के बारे में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, क्योंकि जिन बच्चों के मार्क्स 660 या उससे ऊपर आए हैं उनको लगता है अगर कम समय में रेनीड कराया गया तो कहीं उनके नंबर कम ना हो जाए। उनका पक्ष भी अपनी जगह पर मजबूत है, लेकिन इसका क्या किया जाए कि डिफरेंट जगहों पर बहुत ही मास लेवल पर कॉपिंग जो की गई है या नकल कराई गई है। अभी तक जो केसेस आए हैं उनमें से कुछ केस बिहार के हैं। बिहार के बाद गोधरा में भी एक बहुत बड़ा सॉल्वर गैंग पकड़ा गया, लाखों रुपए का आदान प्रदान हुआ। साथ ही साथ झारखंड में भी कुछ जगहों पर छापा मार करके नकलचियों को पकड़ा गया है। लेकिन इन सभी मैटर्स के बीच में स्टूडेंट्स जो है वो सारी निगाह 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर रखे हुए है। अभी 8 जुलाई तक आने में काफी समय है। इस बीच में बच्चों को लगता है कि 8 जुलाई को अगर रिनीट हो गया तो फिर कितना टाइम हमें देंगे, हम क्या करें। बहुत से स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं क्या हम पढ़ाई स्टार्ट कर दें। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ें और हम आपको डिटेल बताएं कि रिनीट होने के कितने चांस हैं और कितनी पॉसिबिलिटी रिनीट होने की है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बच्चों आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आप इसे काफी बच्चों ने पिछले 10-15 दिन पहले से ही थोड़ी थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, लेकिन अगर आप इसे कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं स्टार्ट की है तो प्लीज स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि नो वन कैन से व्हाट इज गोइंग टू हैपन। रिनीट भी हो सकता है या किसी अन्य तरीके से भी कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है। उस रिनीट में कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स अच्छे हैं लेकिन वो किसी भी तरह के अनफेयर मीन में नहीं इन्वॉल्व थे, हो सकता है उनको अलग किया जाए। लेकिन ये सब मैकेनिज्म काफी कॉम्प्लेक्स है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर नीट दोबारा होता है और सभी स्टूडेंट्स को इक्वल चांस दिया जाता है तो फिर आपको उसमें बैठना होगा। और ऐसे केसेस में जब रिनीट अनाउंस होता है तो 1 महीने से लेकर 1.5 महीने से ज्यादा का समय गवर्नमेंट देगी नहीं। अब मुद्दा यह है कि क्या 8 जुलाई तक ही डिसीजन आए? नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, कल सैटरडे को गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इंडिकेटर्स दिए जिससे लगता है कि गवर्नमेंट अब नीट 2024 में होने वाली धांधली को उजागर करना चाहती है और बच्चों के साथ न्याय करना चाहती है। वो कौन कौन से डिसीजन हैं जो इंडिकेट करते हैं कि रिनीट हो सकता है, तो आइए बारी बारी से बताते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा पिछले 2 दिनों में लिए गए कुछ क्विक डिसीजन जो है इस तरफ इंडिकेट करते हैं कि रिनीट हो सकता है। यहाँ बोर्ड पर देखिएगा, पहला डिसीजन है यूजीसी नेट कैंसिल्ड। जो 18 जून को यूजीसी नेट हुआ था वो अगले दिन 24 घंटे के अंदर ही कैंसिल कर दिया गया, और उससे भी बड़ी बात है उसमें सीबीआई जांच को भी अनाउंस किया गया। तो ये एक इंडिकेटर हमें मिला था कि रिनीट भी होना चाहिए, लेकिन उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान जी के जो स्टेटमेंट आए तो उससे लगा कि गवर्नमेंट शायद रिनीट की तरफ नहीं जाना चाहती है। लेकिन फिर आप देखिएगा, कल शनिवार को नीट पीजी का एंट्रेंस एग्जाम जो है वो भी कैंसिल कर दिया गया। अब यहां से थोड़ी सी उम्मीद बनती है, क्योंकि जो नीट पीजी का एग्जाम होना था अब गवर्नमेंट को ये लगने लगा है, शिक्षा मंत्रालय को लगने लगा है कि एनटीए शायद इतना कैपेबल ही नहीं है कि इस तरह के एग्जाम जो है वो अच्छे से करा सके। कहीं ना कहीं से इनमें भी कॉपिंग होने का चांस है, और गवर्नमेंट ने क्यों कैंसिल किया होगा इस एग्जाम को, उनको लगता है नीट में नकल को लेकर के बवाल चल रहा है। उससे पहले कुछ स्टेट्स में होने वाले पुलिस वगैरह की परीक्षा में इस तरह के बवाल हो चुके हैं, और साथ ही साथ यूजीसी नेट का एग्जाम भी कैंसिल करना पड़ा। तो ऐसा लगता है जैसे एक सीक्वेंस ऑफ फर्जिफिकेशन चल रहा है, नीट में नकल, ग्रेस मार्क्स और बहुत सारे बवाल, यूजीसी नेट को कैंसिल करना क्यों, क्योंकि वहां पर कॉपिंग हो रही थी, सुनते उसका पेपर टेलीग्राम वगैरह पर आ गया था। इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर तो था कि नीट में प्रॉब्लम चल रही है, यूजीसी नेट को हमने कैंसिल करना पड़ा, और अगर ये एग्जाम कराया संडे को तो इसमें भी कोई बवाल अगर हो गया तब तो फिर ऐसा समझा जाएगा कि एनटीए से और फिलहाल गवर्नमेंट से, एजुकेशन मिनिस्टर से कुछ नहीं हो पा रहा। शायद इसी प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया। तो इंडिकेटर तो यूजीसी नेट के एग्जाम के कैंसिल से ही आने लगा था। नीट पीजी का जो एग्जाम होने से पहले कैंसिल कर दिया कि एग्जाम नहीं होगा, इसकी डेट बाद में अनाउंस की जाएगी। उसके बाद नीट के जो डीजी हैं मिस्टर सुबोध कुमार सिंह, इनको हटा दिया गया और मिस्टर प्रदीप सिंह को नया डीजी बना दिया गया। तो यहां से भी आ रहा है कि नीट के कार्यशैली से सरकार संतुष्ट नहीं है। उसके बाद 7 मेंबर्स की एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है
जो कि एनटीए के एग्जाम में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए बनाई गई है, यानी फ्यूचर में एनटीए जिन एग्जाम को कराती है उनमें होने वाली गड़बड़ियों को कैसे रोका जा सकता है, इसके ऊपर पूरा अध्ययन करके ये 7 मेंबर की जो कमेटी है ये 2 महीने में रिपोर्ट देगी गवर्नमेंट को। कौन कौन लोग इस कमेटी में है आप देखिएगा, काफी जाने माने लोग इस कमेटी में है। पहला, इसरो के एक्स चेयरपर्सन और आईआईटी कानपुर के पूर्व डायरेक्टर के राधाकृष्णन इसके चीफ होंगे। इसके अलावा एम्स दिल्ली के जो एक्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी हैं वो इस कमेटी के अंदर है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर बीजी राव इस कमेटी में है। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर श्री राम मूर्ति जी हैं। पीपल स्ट्रॉन्ग के सह संस्थापक पंकज बंसल जी इस कमेटी के एक मेंबर हैं। आईआईटी दिल्ली के डीन प्रोफेसर आदित्य मित्तल जी और एजुकेशन मिनिस्ट्री के जो संयुक्त सचिव हैं श्री गोविंद जायसवाल जी इस कमेटी के मेंबर्स हैं। इस कमेटी का काम क्या है? इस कमेटी का काम है कि एनटीए के द्वारा कराए जाने वाले एग्जाम में जो गड़बड़ियां हैं उनको कैसे रोका जाए। और क्या क्या काम है मैं जरा आपको न्यूज़पेपर से पढ़ दूं। गठित कमेटी परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डाटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए की संरचना और कार्य प्रणाली पर सिफारिशें करेगी। तो ये कमेटी क्या करेगी कि जो ये एग्जामिनेशन की प्रक्रिया है इसमें सुधार किया जाए, इसके अलावा डाटा को कंट्रोल किया जाए, सुरक्षित किया जाए और एनटीए की संरचना और कार्य प्रणाली पर भी इनको अध्ययन करने के लिए कहा गया है। कमेटी एनटीए में अधिकारियों की भूमिका के साथ साथ शिकायतों को सुलझाने की प्रक्रिया का आंकलन भी करेगी। अभी कमेटी और क्या करेगी, एनटीए में जो अधिकारियों की भूमिका है, जो डिफरेंट लेवल पर जो वहां पर ऑफिसर्स हैं उनकी भूमिका भी संदेहास्पद है कि वो भी हो सकता है नीट के पेपर को आउट कराने में या डिफरेंट पेपर को आउट कराने में शामिल हो, उनकी भूमिका और साथ ही साथ शिकायतों को सुलझाने की प्रक्रिया, उसके अलावा जो हम लोग ग्रीवेंसेस भेजते हैं, स्टूडेंट जो ग्रीवेंसेस भेजते हैं उनको कैसे वो सुलझा पाते हैं, उनकी क्या कैपेबिलिटी है, उसकी क्या प्रक्रिया है, उस पर अध्ययन करेगी। ये कमेटी जो बनाई गई है ये कोई आखिरी कदम नहीं है, ये एक तरह से एनटीए में सुधार लाने के लिए फर्स्ट स्टेप है, अभी बहुत कुछ गवर्नमेंट करेगी। तो मैंने आपको ये बोला था कि कौन कौन से ऐसे कदम है जो ये इंडिकेट करते हैं कि रिनीट हो सकता है, उसमें कमेटी का गठन करना तो रिनीट का पार्ट नहीं है, लेकिन जब कमेटी ये बताएगी कि भैया बहुत सी जगह पर गड़बड़ियां थी तो रिनीट के लिए एक बैकग्राउंड तैयार होता है। तो पहला पॉइंट था नेट की परीक्षा का होना और नीट पीजी का कैंसिल होना और एनटीए के डीजी साहब का हटाया जाना। सबसे बड़ी बात शनिवार की शाम में आई सीबीआई जांच की। आपने न्यूज में सुन लिया होगा कि गवर्नमेंट ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सीबीआई जांच को बैठा दिया है नीट 2024 के स्कैम में। इवन जो सीबीआई की टीम है बिहार में जहां पर गड़बड़ी हुई थी उस सेंटर पर पहुंच भी चुकी है, और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उससे पहले अभी मैंने एक चैनल पे देखा कि वहां से जिन लोगों के सूत्र बंधे हुए थे, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको पकड़ने के लिए जब सीबीआई की टीम बिहार के गांव में गई, क्योंकि जब ऐसे जगह पर गांव में या किसी स्थान पर जब सीबीआई की टीम जाती है तो वहां लोकल पुलिस को लेकर जाती है, तो वहां पर पथराव किया गया, सीबीआई और पुलिस को वहां पर गिरफ्तारी करने के लिए और पूछताछ करने में बाधा डाली गई। अब लगता है रिनीट होने का बहुत ज्यादा चांस हो सकता है, क्योंकि सीबीआई जांच अगर होगी तो उसमें बहुत सी चीजें पकड़ में आएंगी। तो मुझे लगता है कि हो सकता है जुलाई से पहले गवर्नमेंट ही इसके ऊपर कोई एक्शन ले ले और रिनीट को अनाउंस कर दे अगर सीबीआई जांच में कुछ गड़बड़ी आई। और उसके अलावा एक अगला स्टेप जो हमारे लिए उम्मीद बनाता है वो है 8 जुलाई को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। तो इस वीडियो में बेटा यही बात करनी थी कि गवर्नमेंट ने अब तक कौन से एक्शन लिए हैं, जिन एक्शन का प्रभाव 2024 के नीट के स्कैम पर पड़ेगा और साथ ही साथ आने वाले इयर्स में नीट के एग्जाम को और क्लियर और साफ सुथरा बनाया जाए उस पर पड़ेगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि रिनीट होने का पूरा चांस है। दिस इज एम सिंह सरिया, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।